हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आरसीआई एजुकेशन अब ऑनलाइन क्लास। ये स्टूडेंट्स अपना टॉपिक रनिंग में था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स। कल अपन ने टू रिएक्शंस कंप्लीट कर ली थी जिसके रिगार्डिंग एसिडिटी ऑफ एल्कोहल भी अपन ने डिस्कस किया। क्लियर? आज इसी रिगार्डिंग अपन नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ रहे हैं एस्ट्रिफिकेशन। इसकी बात करेंगे बेटा एस्ट्रिफिकेशन, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसका मीनिंग क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। अब ध्यान दीजिएगा, हमेशा हमेशा ये चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए। अपने पास अगर एल्कोहल है और वो रिएक्शन करता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से, किससे? कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो यहां पर क्या होगा? एस्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और इसी को अपन क्या कहेंगे? एस्ट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे इसको? एस्ट्रिफिकेशन। अब देखिए इसमें किस टाइप से ये आपका OH बॉन्ड क्लीवेज ऑफ एल्कोहल वाली रिएक्शन शो करता है। देखिए ये अपने लिए आपका ROH मॉलिक्यूल। क्लियर? इसके साथ कौन होगा आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। इसकी बात करेंगे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा कंफ्यूज होते हो, ये आपका RCOH है। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इसको अपन किस वे में? बॉन्डिंग फॉर्म में। जिसको जैसा यूज करना है अपन वैसा अपन यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ये भी आपको यूज आ सकता है, ये भी आपको यूज आ सकता है। क्लियर? पर अपन मोस्टली अपन किसे यूज करेंगे? इसको, ताकि क्लियर हो कहाँ से बॉन्ड कैसे आपका ब्रेक हुआ, कौन रिमूव हुआ, उस कंडीशन में आपका क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड आपको लिखना है। अब देखिए इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्लियर? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, दोनों आर से में किसी को भी क्या बना दो आप, आर डेस बना। क्लियर? अब यहां से तो क्या होगा आपका? एच रिमू होगा और यहां से क्या होगा आपका? ओ एच रिमू होगा। और ध्यान दीजिए ये रिएक्शंस आपकी किसकी प्रेजेंस में होती है? कंसंट्रेट एस्टोसोपोर की प्रेजेंस में होती है। इसकी प्रेजेंस में होती है कंसंट्रेट एस्टोसोपोर, मतलब एसिडिक मीडियम में होती है। तो यहां पर देखिए क्या बना अपने पास में, अब इसको मैं आर सी डबल बॉन्ड को ये अब पार्ट अपने यहां पर लिखा है, ये और इसका आपका एक ओ आर पार्ट यहां पर अपने पास में, ये क्या है आपका? एस्टर मॉलिक्यूल। साथ में क्या फॉर्मेशन हुआ? H2। क्या फॉर्मेशन हुआ? H2। बात क्लियर है सबके? तो एल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फॉर्मेशन एस्टर मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है आपका? एल्कोहल है और ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? सबका क्लियर है? कोई डाउट आपके नहीं होना चाहिए, कहीं भी अगर डाउट है तो आप डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हो। आगे चले, इसकी जो आर वाली कहानी है, अब ध्यान दीजिए बेटा, एग्जाम में आपको आर वाली रिएक्शंस भी आ सकती है या आर के प्लेस पे आपको कोई भी ग्रुप वो आपको दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लिया C2H5OH प्लस HO C डबल बॉन्ड O CH3 और आपके पास में ये लिख दिया H प्लस और आपसे कहे इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करो। आपने पेपर देखा होगा इस ईयर का, उसमें इस टाइप की काफी रिएक्शन आती है, कंप्लीट द फॉलोविंग, राइट? तो इस रिएक्शन में देखिए सेम इसी टाइप से आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, यहां से H और यहां से OH। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इस वजह से लिखना है आपको CH3 सी डबल बॉन्ड O O C2H5 प्लस H2। क्लियर? ये आपका क्या बन गया? इथाइल एसिटेट। क्या बन गया आपका? इथाइल एसिटेट। क्लियर? यहां पर इन दोनों रिएक्शंस में एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज एस्ट्रिफिकेशन। क्लियर? अब एस्ट्रिफिकेशन में क्या है? नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप दोनों में है अपने पास में, यहां भी R है और यहां भी R है। इसको अपन किसमें लिखेंगे बेटा? नोट में लिखेंगे। इसको लिखेंगे अपन नोट में, नोट्स में आपको दे रखा है नोट में। अगर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप एल्कोहल में
या कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्कोहल में या कार्बोक्सिलिक एसिड में इंक्रीज होते हैं, तो इनकी कौन सी रिएक्शन, एसिडिफिकेशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी कम हो जाती है। समझो इस बात को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, एल्कोहल में क्या हो, आर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो, कार्बोक्सिलिक एसिड में आर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो, उस कंडीशन में इन दोनों मॉलिक्यूल की एसिडिफिकेशन रिएक्शन के टुवर्ड्स क्या है, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। इसको मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल लिख के एक्सप्लेन करता हूं, देखिए। जैसे देखिए, अपन ने लिया CH3OH, दूसरा लिया अपन ने CH3CH2OH, फिर लिया अपन ने CH3CH3OH, फिर लिया अपन ने CH3CH3CH3OH, क्लियर। एल्कोहल हो गई है, अब बात करते हैं अपन कार्बोक्सिलिक एसिड HCOOH, क्लियर। CH3COOH, क्लियर। फिर बात करते हैं CH3CH2COOH, क्लियर। फिर बात करते हैं अपन CH3CH CH3COOH, फिर बात करते हैं अपन CH3CH3COOH। अब आपसे कहें कि आप इन एल्कोहल को अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर टू आज द रिएक्टिविटी ऑफ एस्टिफिकेशन, इन एल्कोहल्स को आप क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर टू आज द रिएक्टिविटी ऑफ एस्टिफिकेशन, या इन कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अरेंज करो रिएक्टिविटी टू आज द एस्टिफिकेशन। तो ध्यान दीजिए बेटा, नंबर ऑफ एल्केल ग्रुप की बात करें अपन, नंबर ऑफ एल्केल ग्रुप अगर अपने पास में इंक्रीज हो रहे हैं तो यहां पर रिएक्टिविटी, इसकी बात हो रही है रिएक्टिविटी टू आर्ट्स एस्टिफिकेशन क्या होगा, अपने पास में डिक्रीज हो रही है रिएक्टिविटी टू आर्ट्स, एस्टिफिकेशन डिक्रीज रहेगी, तो अपने पास देखो ऑर्डर क्या रहेगा, ये आपका रिएक्टिव, ये फिर रिएक्टिव और ये आपका रिएक्टिव, इनकी बात करें ये रिएक्टिव लेकिन आपका, क्लियर। इस तरह से अपन इस एस्टिफिकेशन रिएक्शन का एल्कोहल के रेफरेंस में और कार्बोक्सिलिक एसिड के रेफरेंस में अपन इनका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टिफिकेशन ऑर्डर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर बेटा। अब OH बॉन्ड क्लीवेज की अपने पास में नेक्स्ट रिएक्शन आती है कौन सी, असाइलेशन, कौन सी आती है बेटा, असाइलेशन। आई होप आपको ये ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ रही होगी बेटा, मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिएक्शंस को आप डेली रिवाइज करते रहोगे, इनका कनेक्शन ढूंढते रहोगे, जैसे अपने घर में लाइट का कनेक्शन, कभी कभार इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो अपन ढूंढते कि अपना मेन स्विच कहाँ है, उसी तरीके से इस ऑर्गेनिक में आपको कनेक्शन ढूंढने होते हैं, किस रिएक्शन का कनेक्शन कहाँ है, तो आपके लिए ये रिएक्शन क्या होगी, इजी हो जाएगी, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि किस टाइप से ये रिएक्शन आपकी कनेक्ट होती है। अब देखिए नेक्स्ट आपकी डी रिएक्शन है बेटा, कौन सी, असाइलेशन, इसकी बात हो रही है आपकी असाइलेशन, एस्टिफिकेशन थी वैसे क्या थी आपकी असाइलेशन। अब असाइलेशन में क्या होता है, देखिए ये आपका एल्कोहल मॉलिक्यूल है, क्या बेटा, एल्कोहल मॉलिक्यूल। अब एल्कोहल मॉलिक्यूल की रिएक्शंस या तो करवा दो आप इसके एसिड हैलाइड, इससे करवा दो आप इसके एसिड हैलाइड से, या करवा दो आप एनहाइड्राइड से, सब जानते हो दीज आर द
एसिड डेरिवेटिव, दीज आर द एसिड डेरिवेटिव। बता दो एक बार आपको मैं, एसिड एलाइड होता है आपका आर सी ओ सी एल और एन एलाइड होता है आपका आर सी ओ ओ सी ओ आर। क्लियर? इनसे रिएक्शन होती है तो यहां पर एसाइल ग्रुप एड हो जाता है, उसको बोलते हैं पर असाइलेशन। और मैं आपको बता दू आर सी ओ ग्रुप, दिस इज द एसाइल ग्रुप। क्या है आपका ये एसाइल ग्रुप? क्या ये एसाइल ग्रुप? तो एल्कोहल की रिएक्शन या तो करो आप एसिड एलाइड से या करो आप इससे एनहाइड्राइड से। क्लियर? उस कंडीशन में अपनी रिएक्शन कौन सी होगी? असाइलेशन। अब देखिए अपन करवा के देखते हैं किसी एक से रिएक्शन। देखो आर ओ एच प्लस सी एल, उसको अपन को उल्टा लिखना होगा। अब ध्यान देना, उल्टा ये उल्टा सीधा लिखने में आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एल्कोहल रिएक्ट विद एसिड हैलाइड। अब देखो आप खुद देख लो आर सी ओ सी एल और सी एल सी ओ आर, कोई चेंज है क्या? नहीं है। तो अपन रिएक्शन अपनी क्या हो? इजी हो। इस वजह से अपन उस अकॉर्डिंग इनको अपन राइट डाउन करते हैं। देखिए क्या होगा, यहां से एच और यहां से सी एल हो जाएगा। देखो क्या हुआ आपका आर सी ओ, देखो कौन सा ग्रुप आया? एस एल ग्रुप। कौन सा ग्रुप आया? एस एल ग्रुप। तो यहां पे देखो इसको इधर से लिख रहा हूं मैं आर, या इसको डैश से रिप्रेजेंट कर दो ताकि अलग दिख जाएगा आपका आर सी ओ ओ आर, आर सी ओ ओ आर प्लस एच सी एल। यहां पे भी क्या हो रहा है? वो तो रहा एस्टर, यहां पर एस्टर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, बट ग्रुप कौन सा एड हो रहा है आपका? आर सी ओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप एड आपका? आर सी ओ ग्रुप। मॉलिक्यूल चेंज हो गए, वहां कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहां पर आपका क्या है? एसिड हैलाइड या एसिड क्लोराइड। क्या है आपका? एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड। तब इसको बोलते हैं पर असाइलेशन। क्लियर? अब देखो इधर इफ नोट की बात कर लेते हैं, अगर इसकी जगह अपन ले किया सी एस थ्री सी ओ सी एल, क्या लें? सी एस थ्री सी ओ सी एल और यहां पर इस एल्कोहल को मैं लिख दू एस एन आर ओ एच, लिख सकता हूं? क्लियर? अरे लिख सकते हैं क्या? क्लियर? ये अपना हो गया आपका एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको बेटा? एसिटिल क्लोराइड। ये कॉमन था आर, यहां पर कॉमन था आर सी एस ले सकते थे, सी टू एस फाइव ले सकते थे, थ्री कार्बन का ग्रुप ले सकते थे, बट यहां पर क्या ले लिया? एसिटिल क्लोराइड। उस कंडीशन में ये रिएक्शन क्या होगी? रिवर्सिबल नेचर। क्या होगी? रिवर्सिबल नेचर की। और किसके प्रदेश में होगी ये? पाइरिडीन प्रदेश में होगी बेटा, पाइरिडीन की प्रदेश में होगी। क्लियर? बनना प्रोडक्ट वही है, ईस्टर ही बनेगा, बट कंडीशन चेंज है। ये कॉमन रिएक्शन है। क्या ये कॉमन रिएक्शन है? हो सकते हैं एप्लीकेबल है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है। यहाँ पर आपने क्या ले लिया? एसिटिल क्लोराइड। क्या ले लिया? एसिटिल क्लोराइड। तो देखो क्या बना अपने पास में सी एस थ्री सी ओ ओ। अब मैं आर की जगह भी कुछ ले लू यहाँ पर, चलो ले लो आप सी टू एच फाइव ले लो। क्या ले लिया? सी टू एच फाइव। तो क्या बन जाएगा? देखो ओ सी टू एच फाइव प्लस एस सी एल, उसको बोले अपन इथाइल एसीटेट। कोई इसका एबीसी नाम बता सकता है क्या? कई बार पूछा हुआ है आपसे इलेवंथ में, इथाइल एसीटेट कॉमन नेम है, आईपीएसी नेम क्या है? क्या है बेटा? इथाइल इथेनोइट। क्या नाम है? इथाइल इथेनोइट। और इसकी दूसरी केस क्या है आपका? अपने लिया है क्या एनहाइड्राइड की बात की है, इसकी बात की है एनहाइड्राइड। उसमें क्या लेने अपन? देखो सी एस थ्री C
सी डबल बोन ओ को सी डबल बोन ओ सी एस थ्री, क्या नाम है सर? कॉमन नेम एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। हियर इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं अपन? एल्कोहल से। एल्कोहल भी ले रखा है अपन ने C2H5। तो भी इस कंडीशन में रिएक्शन कौन सी होगी आपकी? रिवर्सिबल होगी। और किसकी प्रेजेंस में होगी? पाइरिडीन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी बेटा? पाइरिडीन की प्रेजेंस में होगी। क्लियर? अब देखो यहां पर अपनों कौन सा ग्रुप चाहिए? CH3CO। क्लियर? यहां से क्या चाहिए अपन को? H। ये क्लियर हो रहा है? तो देखो क्या बने हैं प्रोडक्ट यहां पर। सबसे पहले अपना एस्टर बनाते हैं CH3CO। आगे अपने पास में OC2H5। बात करते हैं इस वाले की, क्या बन जाएगा? CH3C2H5। ये तो आपका एस्टर बन गया और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब एन हाइड्रेट वाला कैसे, उसमें आपका एस्टर के साथ में क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों केस में मेनली अपने पास में कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH3CO ग्रुप। यहां भी देखो आप CH3CO ग्रुप। तो इस रिएक्शन को अब अपन यहां पर क्या कहेंगे? एसिटाइलेशन। क्या नाम देंगे बेटा इसको? एसिटाइलेशन। क्लियर? इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा आपका? एसिटाइलेशन। क्लियर? यहां पर ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। लास्ट एक रिएक्शन और बची इस टाइप की, जिसमें अपना फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो जाएगा, वो है आपकी रिएक्शन विद लिगनार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विद लिगनार्ड रिएजेंट बेटा, फिर कह रहा हूं मैं, रिएक्शन बढ़ती जाएगी, आप ओच पोच होते जाओगे, साथ के साथ में क्लियर करते चलो, डाउट अपने निकालते चलो, तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ई टाइप की रिएक्शन है विद GR, ध्यान देना बेटा, GR का मतलब समझ गए आप, लिगनार्ड रिएजेंट। क्या बात करते हैं अपन? लिगनार्ड रिएजेंट। ये क्या बात करते हैं? लिगनार्ड रिएजेंट। क्लियर? अब देखिए यहां पर ROH+, यहां पे ले लिया अपन ने ये RMGX। सब जानते हो RMGX क्या है? लिगनार्ड रिएजेंट। तो देखिए यहां पर, यहां से क्या बनेगा आपका? एल्केन का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? RH और यहां पर MGX और OH ऊपर का प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहां लिख दो आप, क्या बना अपने पास में? एल्केन। क्या बना आपका? एल्केन। अब जिस टाइप के एल्केन चाहिए, आप R ले लो, यहां का R ले लो, इससे मिल लिया आपका C2H5OH+CH3MgCl। तो क्या बन जाएगा बेटा? देखो यहां से ये CH4+MgX, एक्स से क्या लिया अपन ने? Cl, और यहां हो गया आपका OC2H5। तो क्या बन गया अपने पास में? मिथेन का फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? मिथेन का फॉर्मेशन। इस तरीके से आपकी ये एल्कोहल की OH बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शंस आपकी कंप्लीट होती है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।